बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी जी मेंटर। आज आपके लिए MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसके जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं फॉर द मिड टर्म, हम उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं फॉर द मिड टर्म। तो आपने वीडियो को शुरू लेकर अंत तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलें जी शुरू करते हैं वीडियो। आज तो सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट। हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट में आपने लाजमी पढ़ना है इसको, आपके कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई ना कोई एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री बेस्ड ये लेक्चर है। तो इसमें कोई ना कोई चीज़ आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें होगा क्या कि आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह हमने मैनेजमेंट को डेवलप किया, किस तरह इसमें एडवांसमेंट हुई और क्या क्या रोल प्ले किए इसने हमारी डेली लाइफ में या इसने बिजनेस की लाइफ में, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इन लेक्चर भी हम स्किप नहीं कर सकते, आपने इसको भी रीड करना है। और लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो मैनेजर रोल्स होते हैं और मैनेजर में क्या उनका रोल्स होते हैं, किस तरह वो परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज, तो हम इसको भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। मैनेजरिकल फंक्शंस ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्किप नहीं करते। लेक्चर नंबर 4 इसको भी आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लेवल्स और उसको स्किल्स कौन कौन से, जो भी मैनेजर होता है उसके बेसिक स्किल्स क्या होती हैं और उसके लेवल्स क्या होते हैं मैनेजर्स के, तो इसको भी हम छोड़ नहीं सकते। मैनेजमेंट आइडियाज आप इसको देख लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। इसकी एडवांसमेंट यस्टरडे, मतलब जो उसकी थोड़ी हिस्ट्री है वो दिख लीजिए, टुडेज जो मैनेजमेंट है वो किस तरह काम कर रही है, तो आपने उसको लाजमी देखना है, कुछ ना कुछ आ जाएगा उसमें से। लेक्चर नंबर 7 आपके पास क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट है, तो उसको भी हम छोड़ तो नहीं सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो उसको भी आपने तैयार करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव वे ऑफ मैनेजमेंट, तो लेक्चर नंबर 8 भी छोड़ तो नहीं सकते, रीड करना है लाजमी आपने। लेक्चर नंबर 9 में आपके पास आ रहा है कि जी बिहेवियर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, तो थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं होने वाला। लेक्चर नंबर 10 आपके पास है एंड 11, तो इस दोनों को आपने स्किप नहीं करना, इन दोनों को आपने लाजमी रीड करना है, इसमें भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेक्चर नंबर 12 आपके पास है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो ये जो लेक्चर है ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। जस्ट बेसिक चीज़ें आप इसकी देख लीजिएगा एंड इसको आपने रीड करना है, स्किप नहीं करना, ठीक है। 21st सेंचुरी मैनेजमेंट ट्रेंड्स, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है, कुछ ना कुछ आपका कुछ तो क्या बहुत सारा पार्ट आपका इसमें आएगा। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट WTO एंड सैरिक, तो आपने इसको भी लाजमी तैयार करना है, इसमें से लाजमी आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन टेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये 15, आपके इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन प्लस आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। लेक्चर नंबर 16 आपके पास रैशनल डिसीजन मेकिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपका, कि हम डिसीजन मेकिंग किस तरह करते हैं, क्या क्या नेचर होती है डिसीजन मेकिंग की और कितने टाइप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। लेक्चर 17 नेचर एंड टाइप्स, मैंने वही बात कर दी, नेचर एंड टाइप ऑफ जो डिसीजन होते हैं वो, ये इन दोनों कंबाइंड लेक्चर आप करेंगे तो आपकी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। नॉन रेशनल डिसीजन मेकिंग, तो उसको भी आपने छोड़ना नहीं है, आपको पता नहीं कि नॉन रेशनल डिसीजन मेकिंग कौन कौन होते हैं। ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी, तो उसको भी छोड़ना नहीं है कि हम ग्रुप ऑफ डिसीजन कैसे करते हैं। लेक्चर नंबर 20 से लेकर 22 तक आपने इनको रीड लाजमी करना है, ठीक है, और इसको लाजमी तैयार करना है। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट सारे कहा कि लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो 1st से 22 तक लेक्चर्स हैं ये बेसिक आपकी बता रहे हैं हिस्ट्री एंड जो बेसिक रूल्स हैं किसी भी मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बेसिक रूल्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या काम करता है और किस तरह काम करता है, तो ये बेसिक हैं, तो हम इनको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर हाँ बेसिक नहीं होता तो मे बी हम कुछ कह सकते हैं कि स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं तो स्किप करना आई गेस वो एक अकलमंदी का काम नहीं है। तो आपने बस ज़्यादा डीप चीज़ों में नहीं जाना, ओवरव्यू देखना है, जो इलेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके, मैंने वो तो आपको बता दिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इसको तैयार करना है, तैयार मीन्स कि आपने जो 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 चीज़ें आप मैंने आपको लेक्चर्स बताए हैं इनको तो आपने डीप तैयार करना है। कुछ लेक्चर हैं जो मैंने आपको कहा जस्ट ओवर रीड कर लीजिएगा, तो आपको जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो आपने वैसा ही करना है, आपने ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जो लेक्चर कहा है कि डीप पढ़ें उसको अच्छे तैयार करना है तो उनको अच्छे तैयार करना है, और जो लेक्चर ओवर रीड करना है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस लेक्चर में क्या हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।